वीडियो बनाने के लिए। अरे वाह वाह भाई तुम कैमरा छोड़ो भाई कैमरा क्यों छोड़ो भाई कैमरा क्यों भैया भाई चिल्ला भाई बहुत गंदी बिहेव कर रहे हैं भाई। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग अप्रूव भाई। वॉस इतना गंदा बिहेवियर है ना इस बंदे का। आज हम लोग निकल रहे हैं मनामा, पांच भाई है और हम लोगों ने एक गाड़ी हायर किया है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस पर वहाँ से मनामा? एटलीस्ट 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसका चार्ज भाई ने लिया, दो बीटे और दो बीटे का मतलब आपको 444 रुपये टोटल लिया है भाई ने। अपन लोग घुस चुके हैं मनामा मार्केट के अंदर, कुछ व्यू आप देखे चेक करें, बहुत ही प्यारा मार्केट है ये मनामा का मार्केट। और इससे बोलते हैं हमारी अपनी गली है, मच्छी मार्केट है। यहाँ आपको मच्छी वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी क्राउड है भैया, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है इस मार्केट में। यहाँ आपको सारे बांग्लादेशी भाई मिलेंगे और आपने पाकिस्तानी भाई भी हैं, बिहारी भाई भी हैं, बांग्लादेशी सारे भाई मिलेंगे। तो आप क्राउड देखें यहाँ का, भीड़ में भीड़ में ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज भीड़ में उतरे और ब्लॉगिंग चालू करें। सीरियसली इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग चैनल देन रियली आपको क्राउड एरिया में घुसना पड़ेगा, वहाँ से आपको एक ब्लॉगिंग रिकॉर्ड करने के लिए। गाइस कोई देखे कि फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, थोड़ी भी फर्क नहीं पड़ने से भाई। ये यहाँ का कुछ व्यू आप देखें, कैमरे को एज अ फ्रेंड लें और कैमरे से बातें करें। आप मार्केट आप चेक कर रहे हैं यहाँ, हमें एक्चुअल में अभी एक ट्रॉली लेना है। एक भाई जा रहे हैं हमारे, ये शमशाद भाई है, ये घर जाने वाले, तो इनको एक ट्रॉली चेक करना है। और तो भाई साहब आपके अभी अपन लोग घुसे नास्तूर मार्केट के अंदर और ये यहाँ से हमारे भाई कुछ बैग चेक कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं बैग पसंद आती है तो लेकर जाते हैं, अदरवाइज छोड़ के फिर दूसरा देखते हैं कहाँ मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिस बंदे को अभी प्राइस वगैरह चेक करना है, प्राइस वगैरह के बारे में पूछना है, वो बंदा मेरे से पूछ सकता है। मैं स्पेशली एक प्राइस को लेकर भारत में कैसा रेट चलता है कैसा नहीं, उस प्राइस को लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये है सुपर मार्केट, ये मनामा में है और इसका नाम ही है, यही है नेस्ट। तो आप इजीली आ सकते हैं मच्छी मार्केट, यहाँ से आप सीधा आएंगे तो इसके अंदर आप जाएंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑफर मिलेंगी, आपको ज़्यादातर यहाँ पर बहुत सस्ते सामान मिलते हैं। तो अभी हमने विजिट करा, हमने भी कुछ सामान लिया, मैं बाहर आ चुका और हमारे भाई लोग अंदर खड़े हैं, वो बिलिंग करवा रहे, वही बाहर आते हैं और फिर आप लोग निकलते हैं बाहर और फिर दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा। ये फिर हमारे भाई कन्फ्यूज़ है अभी, तो मिराज ताल अभी भी लोग आ चुके हैं एक शॉप पे और यहाँ मेरे भाई लोग जो जाने वाले हैं, हमारे शमशाद भाई भी शर्ट चेक कर रहे हैं। और भैया रेट वेट कितना है इधर का जींस वगैरह का? गाइस अगर आप आते हैं यहाँ पे और ड्यूटी के लिए अगर आप कपड़े लेते तो मिनिमम जींस आपको पड़ जाएगा दो बीटे का, इंटर पड़ गया आपको 450-450 रुपये ऑलमोस्ट पड़ गया। और अगर आपको ऐसे कहीं आने जाने के लिए पहनना है तो बेटर आपको पड़ेगा वो 5 बीटी 6 बीटी का पड़ेगा, जो कि इंडियन हो गया आपको 1200-1300 रुपये। भाई साहब ये शर्ट देख रहे हैं, ये एक बीडी का 200 रुपये इंडिया स्पेशली शॉप है, जो बंदा ड्यूटी वगैरह करता है जो है, और आपको शो कर रहा हूँ कि बहुत ही सस्ती प्राइस है। तो भाई हमारे चेक कर रहे हैं ड्यूटी के लिए शर्ट। भाई साहब अभी अपन लोग घुसे एक वॉच के शॉप पे और ये देखें बहुत ही बाहर से बहुत ही शानदार दिख रहा था। वॉच दिखाना, ये ऑटोमेटिक वॉच है लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने मतलब श्योरली भाई हमें मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इतनी महंगी घड़ी हम पहन नहीं सकते। तो गाइज यहाँ पे कुछ देखने को डिफरेंट चीज़ मिला हमें। सो अभी हमारे शमशाद भाई अपने अब्बू के लिए ये चीज़ पसंद कर रहे हैं। शमशाद भाई ने ये वॉच ले लिया, ये वॉच कितने का दिया? इंडियन हो गया आपको 1500 रुपीज़, बहुत ही प्यारा वॉच है भाई। अपने शॉप वाले भैया पहना रहे हैं, भैया देखो यार चमक आ रही है भाई, खतरनाक वाली। अब तो खुश हो जाएंगे। हाँ शमशाद भाई कैसा लगा? चलो भाई थैंक यू। हाँ वॉच ले लिए और अभी अपन लोग बहुत देर बाद बाहर निकल रहे हैं, हम चलते हैं खाने। पहले अपन लोग ले रहे ट्रॉली, उसके बाद खाना खाने को है, छोड़ते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। अपन लोग कुछ थोड़ा सा ये मार्केट आप थोड़ा चेक कर रहे हैं, उसने वाला सीन लेना है तुम लोगों को? लेना है भाई, लड़ नहीं रहे हम आपसे। भाई हमारे गुस्सा हो रहे हैं, लगता है यहाँ से डील हो चुका है, डॉलर कंपनी है और भाई हमारे ले रहे हैं ये बैग। यहाँ सीन क्या है, अभी बात हुई थी हमारी 7 दिन आ रही है लेकिन भाई अभी भी हमारे मान नहीं रहे हैं, अभी बोल रहे हैं 7:30 भी बोलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, देखते हैं भैया मानते हैं या नहीं। भैया अभी आपको क्या कहा, 7 दिन बोला था ना अभी, इसने बात किया था ना 7 दिन का? भाई तुम कैमरा छोड़ो भाई कैमरा क्यों छोड़ो भाई कैमरा क्यों छोड़ो भाई कैमरा क्यों छोड़ेगा? ऐसे डील नहीं करते कस्टमर से भैया, कोई बात नहीं मैं इधर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बात के 7 दिन ऐसे नहीं बोलने का बाबा, क्या आदमी है, लड़ाई कर रहे हैं यार, कस्टमर से ऐसा डीलिंग नहीं होती मेरे भाई, हमें लड़ाई करनी ही नहीं। 7 दिन देगा भाई, ऐसे नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोला मैं आपसे, प्यार से बिहेव कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसे नहीं बात कर रहा, रिकॉर्डिंग प्रूफ हो रहा है, आप चिल्ला के ना बोले ठीक है? ऐसे कस्टमर से बिहेव नहीं करते हैं,
भाई बहुत गंदी बिहेव कर रहे हैं भाई। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, जो भी कुछ बोलेगा प्रूफ है मेरे पास। चलो यार छोड़ो यार, निकलो भैया, चलो भाई, चिल्लाओ मत भाई, चिल्लाने का नहीं भाई। वॉस इतना गंदा बिहेवियर है ना इस बंदे का, भाई साहब उस बंदे की इतनी गंदी बिहेवियर थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसका जो ऑनर है वो बंदा आया था और उसने हमसे डील किया, तो वो बंदा प्यार से बात किया हमें, भले हमने एक वीडियो उसको ज़्यादा दे दिया, तीन बैग हमने लिया, तीन ट्रॉली, इसके अंदर तीन ट्रॉली हैं हमारे, भाई ने भी ले रखा है, हमने मीन उस बंदे ने अच्छे से बिहेव करा हमारे साथ, तो हमने उससे ट्रॉली ले लिया, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय था ना बहुत ही गंदा था, वो बंदा बात करने की तमीज़ नहीं थी उस बंदे की। छोटा लड़ाई तो हम करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, हम भी इधर कमाने खाने आए हैं, लोगों को भूख लगी थी, सब लफड़ा पहुँच रहे इस मार्केट के, इस शॉप पे, यहाँ पे अपन लोग खाना वाना खाते हैं अक्सर, जब भी मनामा आते हैं अपन लोग घूमने, तो यहाँ पे अपन लोग खाना खाते हैं। देखिए थोड़ा व्यू चेक करें, मना का व्यू चेक करें, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फेमस जगह है ये, बहुत ज़्यादा फेमस है मनामा में, जो बंदा आता है वो यहाँ लाजिम खाना खाने आता है। तो भाई यहाँ व्यू चेक करें, सारे भाई लोग अपने इधर बैठे हुए, भाई बोल रहे थे अपना वीडियो बनाने के लिए। अरे वाह वाह, बस क्या ऑर्डर, चिकन बिरयानी का प्राइस आपको 8 रुपये का, इंडियन हो गया आपको 170 रुपये। तो भैया खाना वाना खा लिया और अभी अपन लोग निकल चुके हैं बस के लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम आए थे गाड़ी से, लेकिन अभी इधर से आएंगे बस से, और ये सामने हमारा है, ये बस स्टेशन है। फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं हमारे बस के पास, ये हमारे बैक साइड में बस आप देख रहे हैं, सिवान से भाई। तो ये तीनों भाई हैं हमारे तरफ से बिलोंग करते हैं। अब अपना बस भाई लोग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, बस स्टैंड है पूरा, यू नो जहाँ जाना है आपको वहाँ बस का डिटेल मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बट जहाँ अपन लोग जा रहे हैं उसका डिटेल मेरे को पता है, ये 12 नंबर बस है, इससे अपन लोग निकलने वाले हैं। दो योद्धा घर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है इनकी, बाय बाय बाय, वो देखो क्या कर रहा है, इसको कभी भी दौरा पड़ता है, बाय बाय, इसको कभी दौरा पड़ता है भाई, क्या बोले संसाद भाई, देखिए ऐसे इसको दौरा पड़ता है कभी, तो थोड़ा माइंड ना करें आप, गलत चीज़ों को इग्नोर करें, ऑलवेज कीप पॉजिटिव थिंग्स, और ये बंदा नेगेटिविटी फैलाता रहता है। ये मंतजा के पास अपन लोग आ चुके हैं, हमारा घर, और निकलते हैं रूम पे एंड ख़त्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पे, तब टाटा एंड बाय बाय।